अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड वेलकम टू एस के पी डेली व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है, और अहम इसलिए है क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने दराज से एक पैकेज मंगवाया, एक ऑर्डर मंगवाया है जो मेरे सामने ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये दराज की तरफ से मैंने एक पैकेट मंगवाया, एक ऑर्डर है इसमें। इसमें ऑर्डर क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये दराज वालों का लिफाफा है और ये इसमें यहाँ पर नेम वगैरह लिखा होता है, ठीक है। ये मैंने पार्सल एक मंगवाया, इसमें ये है कि इसमें मैंने ट्राईपॉड स्टैंड मंगवाया है, जो इसका होता है ना कैमरे का स्टैंड, मोबाइल और कैमरा वगैरह जिसके साथ अटैच आप करके वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, यूट्यूब के लिए या फिर किसी भी वीडियो के लिए। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं इसको कटर की मदद से यहाँ से इसको काटूँगा। देखते हैं कि इसमें क्या है। ये मैंने इसे ओपन कर लिया। इसमें दराज वालों की तरफ से कुछ सेलर सेंटर, मतलब इसमें मेरा नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह लिखा है। ये एक उन्होंने लिफाफा दिया जिसको मैं ले देता हूँ, और ये देखते हैं कि इसमें ये ट्राईपॉड स्टैंड है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसको हम खोल के देखते हैं कि इसमें आखिर स्टैंड है किस तरह का, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया। तो ये अगर आपको भी, क्योंकि एक्सपीरियंस होना चाहिए कि दराज से आपको चीज़ मंगवाते हैं तो आपको चीज़ कैसी मिलती है और वाकई आपको सही मिलती है या नहीं। ये इसमें एक लिफाफा है और इस कवर में आगे इन्होंने स्टैंड रखा हुआ है। देखते हैं खोल के। ये इसमें मोबाइल लगाने के लिए, और ये इसका स्टैंड, ये आप देख रहे हैं ये इसका स्टैंड है। अब इसको हम इस तरह करके बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। ये देखें, ये आप इसको अगर और आप बड़ा करना चाहें इस तरह करके और बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप लगा के आप इस तरह इसको ये मूव करके आप यहाँ पे मोबाइल सेट करेंगे। मोबाइल सेट करने के बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे, और अगर आप कैमरा लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप उसे कैमरे को यहाँ पे फिट कर सकते हैं। फिट करके आप आसानी से वीडियो वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ से इसको आसानी से मूव वगैरह नीचे और दाएं बाएं भी आप कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। तो ये इसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ, जो मेन चीज़ है प्राइस मैंने आपको नहीं बताई। ये मैंने मंगवाया तकरीबन 400 तो कुछ रुपए का मुझे यानी कि पड़ा है वहाँ से, और ये यहाँ पे मुझे आते आते इसमें फ़ीस वगैरह लिखी है, इसमें सब टोटल है 629 रुपए, ठीक है। 629 रुपए का ये मुझे टोटल जो है वो टोटल ख़र्चा इसका पड़ा है यानी कि दराज से मंगवाने का। इसकी प्राइस जो ओरिजिनल थी वो सी इसमें प्राइस लिखी है 484, इसमें प्राइस लिखी है यानी कि 484 रुपये का ये स्टैंड है, ये आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप बाज़ार से लेंगे तो शायद आपको यहाँ से महंगा पड़े, लेकिन अगर आप दराज से मंगवाते हैं तो ये देखें काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसको आप बड़ा करके आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह करके ये देखें काफ़ी बड़ा स्टैंड है, ये देखें इस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे आपको मैंने पहले भी बताया 629 रुपये यानी कि 630 रुपये में मुझे पड़ा है दराज की तरफ से, मुझे जो पार्सल आया टोटल इसके इसका जो अमाउंट और इसकी ट्रांजैक्शन जो होती है जो कि भेजने का खर्चा वगैरह होता है वो टोटल डाल के ये मुझे पड़ा है 630 रुपये का। अब हम टेस्ट करने के लिए इसे आपको मैं खोल के दिखाऊँगा कि ये किस तरह आप खोल के किस तरह इस पर मोबाइल वगैरह लगा के आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको मुकम्मल तौर पर खोल लिया है। यहाँ पर इसके ये जो होते हैं क्लिप होते हैं, अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ से छोटा कर सकते हैं, बड़ा करके आप इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो ये इस तरह फिट हो जाएगा। अब ये स्टैंड है मेरे पास, और ये इसकी हाइट वगैरह देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक है कि वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं अपने कोई व्लॉग वगैरह या फिर यूट्यूब के लिए, अगर आप एक यूट्यूब बनाए तो आपके लिए फिर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको मैं, ये मेरे पास है इसके साथ ही मोबाइल को अटैच करने के लिए, इसके साथ ही इसको मैं अटैच करके आपको दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ पे इसके साथ अटैच करेंगे। इसको हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ओपन करके तो फिर इसको ये इस चीज़ को इसके साथ हम अटैच करेंगे, और नीचे ये इसका बंद करने के लिए एक आपको मिलेगा, उसके ज़रिए से हम इसको, अब ये टाइट हो चुका है, बंद हो गया, और इसको भी हम
यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब हम इस जगह पे मोबाइल को फिट करेंगे, मोबाइल को इसके साथ हम अटैच करेंगे। उसके लिए आपने ख्याल रखना है कि ये जो बटन है मोबाइल का ये बाहर रहे, ताकि ये चीज़ जो है इसमें मोबाइल का बटन कोई मुदाखलत ना करे। इस तरह करके आपने इसको आराम से इसमें यहाँ पे फिट कर देना, ठीक है। इस तरह ये फिट हो जाएगा। अब ये नहीं हिल रहा, तो अब आप इसको इस तरह करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे और मोबाइल से आपने जो भी वीडियो शूट करनी है उसके लिए इसको मोबाइल को ऑन कर लें। मोबाइल को ऑन करने के बाद आप इसको इस लॉक को आप खोलेंगे। खोलने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, इधर आपने अगर घुमाना हो तो फिर घुमा सकते हैं। उसके अलावा इसकी मदद से आप वीडियो को अपने मोबाइल को, यानी कि वीडियो आपने अगर नीचे से आपने वीडियो को लेना है तो आप नीचे इसको करेंगे, अगर ऊपर से तो आप इस तरह करके इसको मूव कर सकते हैं। ये आसान एक तरीका है, इसका इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह करके आप इस स्टैंड की मदद से आप एक आसानी से एक यूट्यूब के लिए या फिर कोई भी अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो स्टैंड की मदद से आराम से आप वीडियो बना सकते हैं। प्राइस मैंने आपको इसकी बताई है, और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अगर शॉप से करना चाहते हैं तो आपको किसी शॉप से भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये दराज से मंगवाया। ये इसका पार्सल, ये इसका बॉक्स था, और ये इसकी ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों तक, और अगर आपने हमारे चैनल SKP डेली व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।